तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो, अभी टाइम अपना 8:40 हो गया। ठीक है, क्योंकि रात को बहुत लेट में सब आया, करीब लगता है 2 बजे सोते सोते, इसलिए उठा हूँ। करीब 8 बजे उठा था, लेकिन और वीडियो में जो था थंबनेल उमने नहीं लगा था, बस ऐसे ही पब्लिक हो गए थे, देखे थे तो बहुत सा भाई लोग बोल रहे थे कि कौन सा बुक से आप कंप्यूटर का पढ़ते हैं, नवंबर में अग्निपरीक्ष का जो सर पढ़ा रहे शिवम सर, वो बुक आ रहा है वो ले लीजिए। तो भाई वो बुक आएगा, उस बुक को हम इंतजार करते करते इतना टाइम हो गया था, इसीलिए ये बुक ले लिए थे अपना। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज से आप लोगों को बताए थे कल के वीडियो में कि SSC GD का मॉक टेस्ट हम भी देंगे, देखते हैं कितना नंबर आता है। ऐसे तो फिलहाल बस अपना फोकस एक ही BSF LCM SI पर और दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो पूछ रहे थे कि भैया नंबर कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज कैसे होगा। तो भाई जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना नंबर बढ़ेगा। ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस कीजिए फिलहाल। तो चलिए आज से हम फिर देखते हैं मॉक टेस्ट में कितना नंबर आता है, SSC GD का देते हैं, उसके बाद फिर अपना ये BSF LCM का देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम रिविजन करते हैं। तो अपना सबसे पहले देखिए रिविजन, ये बुक आप लोग भी लिए होंगे अंकित सर का, ये हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का अपना देख लेते हैं, उसके बाद फिर हिंदी का देने के बाद जो है फिर अपना देखूंगा मैथ और कंप्यूटर का, क्योंकि ये दो को हमको बहुत दिक्कत होता है BSF LCM में, इसीलिए मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा, बार बार मैथ और कंप्यूटर दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये दो देखते हैं, उसके बाद फिर अपना खाना वाना बनाने की तैयारी में किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना रिविजन शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये विलोम शब्द अपना पढ़े थे। ठीक है, ये एक चैप्टर अभी पढ़े हैं और एक चैप्टर अभी पढ़े हैं शरणार्थी शब्द, 2 चैप्टर हिंदी में पढ़े हैं और एक चैप्टर अपना ये कंप्यूटर में पढ़े हैं मेमोरी। ठीक है, और रात में कंप्यूटर का ईमेल पढ़े थे, और अभी मैथ का भी अभी रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ और कंप्यूटर ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बाकी ये सब उतना नहीं है। ठीक है, तभी 10 बजे देख लेते हैं, 55 मिनट हो चुका है और 8:40-45 मिनट पढ़ने के लिए बैठे थे। तो अभी देख रहे थे एक भाई अभी कॉमेंट किए हैं वीडियो के अंदर वाला आज के वीडियो में कि भैया आपका हाइट कितना है। तो भाई मेरा हाइट से क्या मतलब, हाइट तो BSF LCM 165 मांगता है, और GD की बात करें तो भाई मेरा इतना हाइट 1.71 है। ठीक है, और देखे एक अभी अथी था कमेंट था कि भैया आपका स्पीड कितना आ रहा है। तो भाई स्पीड अभी कुछ खास नहीं आ रहा, जितना आ रहा है बस बढ़िया आ रहा है। ठीक है, जिस दिन होगा उस दिन आप लोगों के ज़रूर हम बता देंगे एक वीडियो में कि कितना मेरा आ रहा है अभी। ठीक है, तो फिलहाल चलिए चलते हैं खाना वाना बनाने के लिए, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई किया जाएगा, अभी पढ़ाई करेंगे मैथ के। ठीक है, तो चलिए फिलहाल खाना बनाते हैं अपना। चलिए दोस्तों अपना खाना उना बना लिया हूँ। ठीक है, नहा हुआ के खाना भी खा लिया हूँ। खाना में आज दाल भात भुंजिया बनाए थे, और टाइम अभी देख सकते हैं 12:44 हो गया है, क्योंकि बड्डे यही टाइम हो जाता है बनाते खाते पीते अपना। ठीक, और अभी सोच रहे हैं सबसे पहले GD का टेस्ट दे देते हैं, कितना नंबर आता है हमको नहीं पता है। ठीक है, आज पहली बार दे रहा हूँ GD का टेस्ट, देखता हूँ कितना नंबर आ रहा है, आप लोग भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अपना टेस्ट देने के लिए अब शुरू कर देता हूँ अपना GD का, उसके बाद फिर BSF LCM SI का, जैसा कि मेरा फोकस बस ये इसका फिर टेस्ट देना है 3 बजे के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते अपना टेस्ट अब। तो चलिए अभी टाइम आप लोगों को दिखा देते हैं, 2:12 हो गया है, और अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए SSC GD का जितना भी नंबर आया, और स्क्रीन पर भी झलक रहा होगा। ठीक है, और ऐसे मेरा टोटल 63 क्वेश्चन बनाए थे, और 17 क्वेश्चन नहीं बनाए जिसको हम छोड़ दिए। ठीक है, टोटल 121 नंबर बना है, और क्या अब देखिए BSF LCM SI का देते टेस्ट, इसमें कितना नंबर आता है, GD में तो इतना आया है। ठीक है, क्योंकि आज हम पहली बार GD का नंबर दिए टेस्ट दिए थे, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल चलते हैं अपना वो टेस्ट देने BSF LCM SI का। टेस्ट देने से पहले ऐसा आप लोग कॉपी एक पेन बढ़िया से बनाइए, जैसा कि लगे हम अपना एग्जाम सेंटर में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस ऐसे आँख मुँह मारने चालू कर दिया, ऐसा नहीं कीजिए। चलिए देखिए हम भी अपना कॉपी ओपी ये देखिए बना रहे थे जो बोला है, और अब फिर से यहाँ चालू करेंगे अपना। टाइम देख सकते हैं 2:13 हो गया,
तो देखते हैं BSF LCM SI में कितना नंबर आता है, जितना भी आएगा आप लोगों को हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज टेस्ट फेर देना शुरू करते हैं। अब तो चलिए अपना भी जो टाइम देख सकते हैं 3:43 हो गया, और ये वाला भी टेस्ट अपना दे दिया BSF LCM SI का, ठीक है। इसमें आज अभी मेरा नंबर बहुत इंक्रीज हो गया भाई, 66 नंबर आ गया, ठीक है, जो कि पहले 45-47 तक गया था, अभी 66 नंबर आ गया। इससे लगता है कि मेहनत किया तो उसका कुछ तो मिल रहा है, कुछ नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना से भी कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी और नंबर लाने के भी जरूरी है, क्योंकि 80 प्लस जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई सेफ स्कोर नहीं माना जाएगा, समझे। 80 प्लस के ही पार का ही कोई उपाय है, उससे पहले कुछ नहीं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए जो भी है अपना जहाँ भी है आप लोग जरूर जितना नंबर आया कॉमेंट कीजिएगा। फिलहाल चलिए अपना जो गलती की उसका भी अपना देखते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई, उसको भी नोट कर लूँगा, ठीक है। और जो इसमें जो गलती हुआ है वो कंप्यूटर अमित में ही मेरा गलती हुआ, ठीक है, और लगता है 2 या 3 को हिंदी में इसे ही गलती हुआ, उससे वैसी नहीं हुआ। कैलिटल एटीट्यूड में 3 को गलती हो गया, समझे। तो इसे लमसम में 13 या 14 को इसे गलती हुआ, उससे वैसी गलती नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए वो सभी सुधारना है हमको। और फिलहाल देख लेते हैं कुछ ग्रुप मेरे अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि SSGD वाला भेजे थे कमेंट्री पोस्ट में भी सोचे लगा दूंगा उसको, अपना स्क्रीनशॉट मार के डाले थे उसमें, तो बोले थे कि ये दूसरा वाला ये वो, और इससे पहले भी टेस्ट दिए थे तो उसमें भी बोल रहे थे कि इतना कम नंबर कैसे आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, इतना टाइम में कैसे बना दे। अरे भाई जब इजी आएगा तो कोई भी बना देगा जल्दी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ो ना है, समझे। तो चलिए बोलने वाला बोलने दीजिए, अपना काम है हम अपना करते ही रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलिए कुछ देर आराम करके फिर अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए अभी टाइम दिखा देता हूँ, पहले मैं अपना 7:17 हो गए, शाम का समय है, ठीक है। और अपना इससे पहले खाना वाना भी खा लिया हूँ पढ़ाई करने से पहले, क्योंकि टेस्ट देने के बाद उठे तो अपना खाना वाना खाया फिर अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गया हूँ। अभी 7:17 हो गए, ठीक है। तो उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप में देख रहे थे कोई मिथिलेश करके भी था, मेरा नाम मिथिलेश है, तो उसमें भी मिथिलेश नाम करके देखे टॉपर लिस्ट में था फर्स्ट नंबर पे भाई, तो मैं नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में उतना एक्टिव रहता नहीं, नहीं उतना रिप्लाई देना जरूरी समझता हूँ, जो जो हुई रहता है वहाँ पर रिप्लाई देते हैं भाई, जो कहेगा जितना कहेगा उतना करूँगा, तो मेरा पढ़ने में टाइम भी उतना निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उतना अथी नहीं लेते कोई चीज़ का, जिसको जो बोलना जिसको जो कहना है कहने दीजिए भाई, मैं उस सबका उतना टेंशन नहीं लेता हूँ, ठीक है। जितना मेरा रियल नंबर आता है भाई मैं बता देता हूँ कि मेरा भाई इतना नंबर आया है, ठीक है, पहले से भी बता रहा हूँ अब की बार भी बता रहा हूँ। अब कहेगा भाई नंबर तुम्हारा कैसे बढ़ गया इतना इतना, तो भाई इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी अगला सोमवार से ही कि हद से बेसी भाई प्रैक्टिस बहुत अधिक करना पड़ रहा है, इसी कारण नंबर पर है, इसी कारण GD में भी इतना नंबर मेरा पहली बार आ गया, समझे। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए उतना अधिक नंबर बनने, क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए तब नया नया नंबर मिलेगा, ठीक है। और देख लेते थे 2-4 भाई बोले थे कि भाई तुम कि क्वेश्चन जो है सॉल्व कियो, नंबर वाइज सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भेजो, भाई उतना हमको क्या जरूरी है, हमको जितना नंबर आया है हम आपको बताए देवे किए हर वीडियो माध्यम से, हम हर तभी हम बता देते, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को और एक खुशखबरी है, जितने भी भाई BSF ट्रेनमेंट का न्यू वैकेंसी आने वाले, अगर इस पर किसी को कोई जानकारी लेना है तो बोलिएगा, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो चलिए अभी फिर अपना भी पढ़ाई जारी रखते हैं, क्योंकि अभी जो पढ़े थे मैथ ही पढ़ रहे थे, इससे पहले पढ़े थे जो बस अपना जो गलती किए थे वो सुधार किया, क्योंकि सुधार करना बहुत जरूरी होता भाई, कहते थे फिर देखता हूँ कि क्वेश्चन सर वही पूछ देते हैं अथी में टेस्ट में, तो उस टाइप का तो नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन की तरह ही रहता है सेम टू सेम, बस खाली चेंज कर दिए ये वो, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह बनता है, समझे। तो इसलिए क्वेश्चन बनाए हुए रहिएगा तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है, समझे। फिलहाल चलिए फिर अपना पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि खाना भी बनाऊँ नहीं, शाम के खाना खाए थे तो बनाए उनाएंगे नहीं, बस वही खाना खा लिया हूँ, तो पढ़ाई ही अपना करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर से अपना पढ़ाई करने के लिए शुरू करते हैं। और क्या आप लोग भी बताइए कि कितना नंबर इस बार आपका आया है टेस्ट में, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई अपना शुरू कर देता हूँ। तो चलिए देखिए अभी अपना MX Excel पढ़ रहे थे, 22 नंबर ये चैप्टर है, और 9:26 हो रहा है, ठीक है।
अब चलते हैं, पानी पानी झरा हुआ है ठीक है, तो उसको लाना है। एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन तक भी पूछ लिया जाता है समझे, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसी को मैं भी पढ़ रहा हूँ ठीक है, क्योंकि आज के भी क्वेश्चन में कम से कम 4 वो देखिए एक्सेल से ही सीख था, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी, आप लोग भी जरूर पढ़ते होंगे ठीक है। तो फिलहाल चलिए अपना पानी उनी लेकर आते हैं, और क्या आप लोग बताइए आप लोगों का टेस्ट में कितना नंबर आया था ठीक है। चलिए चलते पानी लाने के लिए। इतना पानी लेके आ गया ठीक है, 10:00 देखिए 4 मिनट हो गया ठीक है, क्योंकि रूम में कुछ आ गया इसीलिए रूम में नहीं वीडियो बना पा रहा हूँ, तो रात को 10:04 हो गया। तो आज का वीडियो भी यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे जय हिंद जय श्री राम।